हेलो दोस्तों, आज कुछ हम बात करने वाले हैं वीवो V29 प्रो डिवाइस के अंदर आप वाईफाई हॉटस्पॉट सेटिंग कैसे करें। दोस्तों आप अपने फ़ोन में वाईफाई हॉटस्पॉट सेटिंग कैसे करेंगे। दोस्तों वाईफाई हॉटस्पॉट से होता है कि आप अपने इंटरनेट को किसी दूसरे फ़ोन में शेयर कर सकते हैं और वहाँ से वाईफाई कनेक्ट करके अपने इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर डाटा लिमिट लगाना होता है, सिक्योरिटी लगाना होता है और उसके अलावा और सारे सेटिंग है जिसको इनेबल करना होता है। और आप वहाँ पे सारे सेटिंग को इनेबल करके कैसे यूज करेंगे, चलिए अपने सेटिंग को ओपन करते हैं और वहाँ से आपको बता देते हैं। तो उसके लिए आपको अपने सेटिंग को ओपन करना है। तो हम अपने सेटिंग को यहाँ पे ओपन कर लिया। आप देख रहे हैं जो हमारा सेटिंग है यहाँ पे ओपन हो जाता है और यहाँ पे ऑप्शन है नेटवर्क एंड इंटरनेट, तो आपको इस पर क्लिक करना है ये वाले ऑप्शन पर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे सेटिंग आते हैं और यहाँ पर ऑप्शन है हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है वाईफाई हॉटस्पॉट, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख रहे जो हमारा हॉटस्पॉट है अब यहाँ पे ऑफ है, तो आपको अब इसको इनेबल करना होता है। तो आप इसको इनेबल करेंगे और इसके बाद यहाँ पे आपको हॉटस्पॉट नेम ऐड करना है। तो आप अपने हॉटस्पॉट का नेम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप कहीं भी वाईफाई कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको ये नाम देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको नाम ऐड कर लेना है, कोई भी नाम यहाँ पे ऐड करेंगे ये ऐड हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है, आपका जो हॉटस्पॉट नेम है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। नीचे आपको मिलता है सिक्योरिटी का ऑप्शन, तो आपको अपने हॉटस्पॉट में सिक्योरिटी लगाना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिक्योरिटी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे अगर आपको अपने हॉटस्पॉट में सिक्योरिटी नहीं यूज़ करना है तो आप नॉन के ऑप्शन को यूज़ करेंगे। और इसके अलावा अगर आपको अपने हॉटस्पॉट में सिक्योरिटी यूज़ करना है तो ऊपर के तीन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद यहाँ पे हॉटस्पॉट पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड एंटर कर लेना है, आपको कोई भी पासवर्ड लगाना है उसको यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है और इस यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ये पासवर्ड यहाँ पे सेट हो जाएगा। नीचे आपको मिलता है वन टाइम मोबाइल डाटा यूज लिमिट, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको अनलिमिटेड का ऑप्शन मिलता है, अगर आपको चाहे जितना डाटा शेयर करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपको 50 MB 100 MB इस तरह से आपको शेयर करना है तो यहाँ पर आप तीन चार ऑप्शन हैं, तीनों चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको मिलता है कस्टम, अगर आपको कोई और गिनती ऐड करना है MB के लिए तो आपको कस्टम के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दूसरा गिनती ऐड कर लेना है। यहाँ पे आप कुछ भी एंटर करेंगे उतना MB शेयर होगा और इसके बाद आपका जो हॉटस्पॉट है वो डाटा शेयर करना बंद कर देगा। तो आपको यहाँ से ओके करके इसको ओके कर देना है, ये सेट हो जाएगा। नीचे आपको मिलता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कनेक्शन, तो दोस्तों आप वाईफाई कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं कितना वाईफाई कनेक्ट करना है। ये चीज़ यहाँ पर आपको मैक्सिमम कितना कनेक्शन लेना है ये चीज़ आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर आपको मिलता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कनेक्शन, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप अपने वाईफाई को डिसाइड कर सकते हैं कितना करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं दो चार कनेक्शन करना है, तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद तो यहाँ पे हम तीन कनेक्शन कर दिए हैं, हमारे फ़ोन में तीन ही वाईफाई कनेक्ट होगा, इसके बाद नहीं होगा। नीचे आपको मिलता है टर्न ऑफ हॉटस्पॉट ऑटोमेटिकली, तो आपको ये वाले बटन को ऑन रखना है। कभी भी आप अपने हॉटस्पॉट को ऑन करके छोड़ देंगे तो आपका जो हॉटस्पॉट है वो थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा। अगर आपके हॉटस्पॉट से कोई भी वाईफाई नहीं कनेक्ट हुआ तो आपका जो हॉटस्पॉट है वो थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप अपने फ़ोन में वाईफाई हॉटस्पॉट सेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि इस तरह से आपको अपने फ़ोन में वाईफाई हॉटस्पॉट सेटिंग करना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।